जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे करोड़ों राम भक्त ऐसी तैयारी कर रहे हैं मानो जैसी इससे पहले कभी उन्होंने किसी के लिए ना की हो। अब अयोध्या में अलग अलग दिनों की शुरुआत भी होने जा रही है और अब जो उत्सव शुरू होंगे वो 22 जनवरी तक जारी रहेंगे। और अब राम दरबार किस तरह से सजा होगा, किस तरह भक्त राम भक्तों की खास तौर से जो भावना उमड़कर सामने आ रही है ये रिपोर्ट देखिएगा, क्योंकि जल से थल तक, नभ से धरा तक सिर्फ एक ही नाम है, एक ही चर्चा है, एक ही जयकारा है, क्योंकि आ रहे हैं श्री राम। और इस बीच देखिए चंपत राय वो यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। वार्ता के बाद कृपया अपना समय बर्बाद न करें इंडिविजुअल बाइट इन शब्दों के, जो यहाँ है वो सार्वजनिक है। शुभकामनाएं तो भगवान की ओर से सबको है ही, लेकिन मैं इंडिविजुअल इसके लिए मेरे पास कोई समय नहीं है, आप इसके लिए अपना समय बर्बाद ना करें, धन्यवाद। तो अयोध्या के जो पत्रकार बंधु हैं, सामान्यतया कुछ न कुछ वो प्रकट करते ही रहते हैं, इंडिविजुअल बातों में भी काफी बातें आ चुकी हैं, इसलिए काफी विषय पुनरावृत्ति है, कुछ विषय नए हैं, एक दो बात सब कुछ लिखने के बाद भी शायद छूटी है। तो लगभग सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। बाईस जनवरी पौष शुक्ल द्वादशी भारतीय कालगणना में कूर्म द्वादशी है, अभिजित मुहूर्त है, मृक्षरा नक्षत्र है, प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। प्राण प्रतिष्ठा की का ये मुहूर्त श्रद्धेय गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ वाराणसी इन्होंने निर्धारित किया है। काशी अयोध्या के अनेक लोग उनको जानते हैं और उनके प्रति श्रद्धा से नमन करते हैं। कर्मकांड की संपूर्ण विधि वाराणसी के लक्ष्मीकांत दीक्षित जी, ये दोनों अपने अपने विषय के मूर्धन्य लोग हैं, प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी।
जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो आप सब जानते हैं पत्थर की है। हमारे अनुमान से ₹150 किलो से 200 किलो के बीच में उसका वजन है, होगा। खड़ी प्रतिमा, 5 वर्ष का बालक का स्वरूप, ₹18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसको अनेक प्रकार से निवास कराया जाता है, जल में निवास, अन्न में निवास, फल में निवास, औषधि में निवास, घी में निवास, घृत, ऐसे अनेक प्रकार के निवास कराए जाते हैं। इसको पूजा पद्धति की भाषा में अधिवास कहते हैं। सामान्य रूप से ये बड़ी कठिन, सब आदमी इसको कर नहीं सकते इतने दिन, तो प्रचलन है जलवास, अन्नवास और शैयावास। शैया का अर्थ आप समझते ही, शैयावास। ये सभी अन्नवास, जलवास, अन्नवास, शैयावास, लेकिन बहुत कठोर कर्मी कोई हो, आज इस कलयुग में तो शायद कठिन ही होगा, तो घृतवास, औषधिवास, फलवास, सुगंधवास, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। सभी विद्वानों ने कहा आज के समय के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, करेंगे। गर्भगृह में गरिमामय उपस्थिति, जिनके सम्मुख सब काम होगा, वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, श्री इंजीनियरिंग ग्रुप, साधु संतों में सारा भारत, सभी भाषा भाषी, शैव परंपरा, वैष्णव परंपरा, शाक्त शक्ति के उपासक, गणपति की उपासना करने वाले, सिख, बौद्ध, जैन, 6 दर्शन है, सभी दर्शन, कबीरपंथी, वाल्मीकि, आसाम से शंकर देव की परंपरा, स्कॉन, रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन,
भारत सेवाश्रम संघ, गायत्री परिवार, उड़ीसा का महिमा समाज, पंजाब के अकाली, निरंकारी, नामधारी राधास्वामी और स्वामीनारायण, स्वामीनारायण का मतलब गुजरात, जिनके प्रवर्तक छपिया में पैदा हुए, महाराष्ट्र का वारकरी, कर्नाटक का वीर शैव, लिंगायत, सभी लोग उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। 12:20 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी, ये प्लानिंग की जा रही है। फिर सभी महानुभाव, विशिष्ट जन, माननीय प्रधानमंत्री जी, डॉक्टर मोहनराव भागवत, मुख्यमंत्री महोदय अपने मनोभाव प्रकट करेंगे।